टुनिशा के केस में शहजान को आज बेल मिल जाती अगर टुनिशा की मदर शहजान को लेकर बड़ा खुलासा नहीं करती। शहजान की आज कोर्ट में पेशी थी। इस दौरान पुलिस ने शहजान की 2 दिन की कस्टडी मांगी, लेकिन कोर्ट से पुलिस को 1 ही दिन की कस्टडी और मिली है। पुलिस के पास टाइम कम है, काम ज़्यादा है। इधर अकॉर्डिंग टू शहजान वकील, पुलिस को शहजान के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला है। नहीं, पुलिस ने अगर इन बातों को रिकॉर्ड पे लिया भी है, इनके पास एक सबूत नहीं है। इसके बाद जब वकील से पूछा गया कि आखिर जब सबूत नहीं मिला तो फिर कोर्ट ने 1 और दिन की कस्टडी शहजान की क्यों दी, तो इस पर वकील का कहना है कि टुनिशा की मदर ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहजान पर जो गंभीर आरोप लगाया कि शहजान ने टुनिशा को थप्पड़ मारा था, बस उस बेसिस पर पुलिस को उनकी कस्टडी दी गई है, वरना शहजान को आज बेल हो जाती। शहजान के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है पुलिस के पास। थप्पड़ मारने का जो उनकी माँ का स्टेटमेंट है, उसके लिए उनको जानकारी चाहिए कि थप्पड़ मारा था कि नहीं मारा। जहाँ एक तरफ खबरें आ रही थी कि शहजान की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, ये भी खबर आई थी कि एक लड़की जो मुंह पर पट्टा बांध कर पुलिस स्टेशन पर आई, जहाँ पर शहजान को रखा हुआ है, वो लड़की शहजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड ही थी, इस तरह की बात की गई। वहीं शहजान के वकील का ये दावा है कि शहजान की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है ही नहीं। कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी तरह का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पुलिस की जांच में सबका सब आ जाएगा। और जो चैट कही जा रही है कि 2 घंटे बाद की, या एक चैट है जो डिलीट की, वैसी कोई चैट पुलिस के पास है ही नहीं। चैट सामने लिया है? नहीं है। शहजान के वकील ने इतना स्ट्रॉन्गली कहा है कि शहजान के खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है, शहजान की कई गलती नहीं है, आप लोगों से पूछो, आप सीसीटीवी फुटेजेस खंगालो, शहजान पर आरोप सिद्ध होते ही नहीं है। टुनिशा की मदर ने जितने आरोप शहजान पर लगाए हैं वो सभी गलत है। इधर शहजान को झटके पे झटके लग रहे हैं, जहां आज एक बार फिर से उनकी पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई, वहीं अब खबर आ रही है कि अलीबाबा शो भी उनके हाथ से निकल गया है। शहजान अभी तक गिल्टी प्रूव हुआ नहीं है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन हाँ, वो एक लीगल मैटर में फंस गया है। इंडस्ट्री की ये खास बात है कि जैसे ही आप पर प्रॉब्लम आती है, लोग आपसे दूर भाग जाते हैं। शहजान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। शहजान को इस शो से रिप्लेस किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक्टर अभिषेक निकम को शहजान की जगह कास्ट किया जाएगा। जहां तक बात है शहजान के ड्रग्स लेने की, टुनिशा की मदर ने शहजान के ड्रग्स लेने की बात कही थी, तो इस पर भी वकील का कहना है, मम्मा शहजान ना नशा वशा करता है सेट पे, फिलहाल अभी तक पुलिस के पास ऐसे कोई साक्ष्य कोई सबूत नहीं है जो इन आरोपों को सपोर्ट कर सके। कि आप शो के सेट पर सीसीटीवी फुटेजेस खंगालो, लोगों से पूछ लो, कोई अगर प्रूफ होता है तो हम जरूर बात करेंगे इस मामले में। सेट पे सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ पे दुनिया भर के प्रोडक्शन हाउस के स्टाफ है, किसी ने इनके इन आरोपों को सपोर्ट नहीं किया है। तो कुल मिलाकर वकील का कहना है कि शहजान के खिलाफ कोई केस है ही नहीं, शहजान निर्दोष है। 1 दिन की और पुलिस के पास कस्टडी है, 1 दिन में पुलिस को ठोस कुछ ना कुछ ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि कल एक बार फिर से शहजान को पुलिस कोर्ट में लाएगी और पुलिस के पास ठोस बात होनी चाहिए शहजान को कस्टडी में रखने के लिए। क्या लगता है आपको, जिस तरह की ये अब अपडेट आई है टुनिशा के केस में, शहजान का फंसना तय है या शहजान बच जाएगा? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।